iPhone 15 review after 45 days. कहने का मतलब जब से ये फोन मेरे पास आया तब से मैं इसे यूज ले रही हूँ एंड एज अ एंड्रॉइड यूजर मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत सारी चीजों में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया है. एट द सेम टाइम कुछ कुछ चीजें मेरे लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग भी रही है. बट एक चीज मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूँ पहले ही, अगर आप iOS यूजर ही रहे हो तब तो आपको लगेगा यार मैं क्या ही बोल रही हूँ, ये तो ऐसा ही होता था. लेकिन अगर आप एंड्रॉइड से iOS में स्विच कर रहे हो ना तो प्रैक्टिकली बता रही हूँ कुछ चीजों में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी हैबिट्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे और अपने माइंड के साथ ये पीस बनाना पड़ेगा कि हाँ यार ये चीज यहाँ पर ऐसी ही होती है. कुछ चीजें अच्छी भी लगेगी, कुछ चीजें बुरे भी लगेगी, जो हर एक सेगमेंट में मैं आपको बताते चलूंगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. बट डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगी आज के इस वीडियो में. तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसके रिव्यू को. तो देखो अभी सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ इस फोन के कैमरास के बारे में. बट ऐसे कैसे, अगर सिर्फ इसी कैमरा के बारे में बात करूंगी तो सब कुछ अच्छा ही लगेगा. इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ एंड्रॉइड फोन्स अपने साथ रख लिए ताकि रेफरेंस में अगर बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आईफोन के कैमरास कहाँ पर स्टैंड करते हैं. एंड बाय द वे मैंने यहाँ पर 40,000 वाले फोन्स रखे हैं, ऐसे कोई हाई फाई फोन नहीं है ये. पिक्सल 7 है और वन प्लस 11 आ रहे हैं यहाँ पर. लेकिन देखो मैंने जितने भी फोटोज कैप्चर किए ना, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जहां पर एक्सपोजर बैलेंस की बात आती है ना, मतलब काफी लोग बोल रहे हैं कि आईफोन में ये अच्छा हो गया वो अच्छा हो गया, लेकिन अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि इसका एक्सपोजर बैलेंस इतना भी अच्छा नहीं हुआ है. मतलब इससे ज्यादा बेटर एक्सपोजर बैलेंस ना OnePlus कैप्चर करके देता है हर एक कंडीशन में, चाहे सेल्फी हो चाहे रियर हो चाहे वाइड हो. दूसरी चीज, अगर आप इन जनरल नॉर्मल भी फोटोज ले रहे हो ना यार, तो वहां पर मैंने देखा है कि आईफोन में डिटेल्स वगैरह अच्छी होती है. अभी किस तरह के फोटोज आपको चाहिए, स्टैंडर्ड मोड में लेना है, ये रिच कॉन्ट्रास्ट करना है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन डिटेल्स वगैरह अच्छी होती है. बात सिंपल से इतनी है. दूसरी चीज, अगर आप वाइड एंगल में फोटोज लेते हो तो वहां पर आईफोन के कैमरास बहुत अच्छे हैं. मतलब इसमें डिटेल्स भी है और रिच कॉन्ट्रास्ट में फोटोज लेते हैं तो कॉन्ट्रास्टिंग फोटोज भी आते हैं और मुझे इस तरह के फोटोज काफी अच्छे लगते हैं. आई मीन पिक्सल के भी अच्छे हैं डिटेल्स के मामले में तो, और वन प्लस यहाँ पर पिक्चर में ही नहीं है क्योंकि ना डिटेल्स होते हैं ना अच्छे कलर्स होते हैं. बात ये है, लो लाइट में अगर आप फोटोज लोगे तो यहाँ पर मैंने नाइट मोड ऑन करके फोटोज लिया और यहाँ पर भी मैं बोलूंगी, सुन के आपको बुरा लगेगा लेकिन नहीं, आईफोन यहाँ पर भी अच्छा, यहाँ पर भी ज्यादा अच्छे डिटेल्ड फोटोज जो है ना वो वन प्लस में निकल के आए हैं आईफोन के कंपैरिजन में. लेकिन अगर बात की जाए सेल्फी कैमरा की ना, तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ और काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ. क्योंकि देखो नॉर्मल अच्छी लाइट कंडीशन में वहां पर तो ये आपके फेस पर अच्छी खासी डिटेल्स रख लेगा, लेकिन जैसे बैकग्राउंड में एक्सपोजर हो गया वहां पर ये एक्सपोजर नहीं बैलेंस कर पाता, या फिर आप इंडोर्स में फोटोज ले रहे हो तो वहां पर ये बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं दे पाता है. जहां पर मैं बोलूंगी कि मुझे एक्चुअली मैं पिक्सल काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा, डिटेल्स वगैरह काफी अच्छी देखने को मिलती है और ये पहले नहीं था, ये अपडेट्स के बाद ये फोन इंप्रूव हुआ है. लेकिन OnePlus 11R अलग स्टैंड आउट करता है क्योंकि एक्सपोजर बैलेंस हो या फिर सेल्फी इंडोर्स वगैरह में हो, हर जगह पे डिटेल्स बहुत अच्छी रहती है और 80,000 का फोन इन दोनों से काफी पीछे है इस मामले में. लेकिन हाँ, रियर में अच्छा परफॉर्म करता है, वाइड एंगल में अच्छा परफॉर्म करता है. लेकिन यहीं पर अगर बात की जाए वीडियोस की, तो मैंने बाकी दो के साथ भी इसके वीडियोस लिए और वहां पर मैं बोलूंगी वन प्लस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. तो अगर आप उनमें से जो वीडियोस बनाना प्रेफर करते हो, मेरे को लगता है आईफोन से काफी अच्छे वीडियोस बनते हैं, नो डाउट. इनफैक्ट पिक्सल से भी अच्छे वीडियोस थे. लेकिन यहां पर मैं बोलूंगी जब सिनेमैटिक मोड वगैरह में वीडियोस बनाते हैं ना, तो आईफोन से काफी अच्छी क्वालिटी के वीडियोस बनते हैं, काफी अच्छी डिटेल्स रहती है, बैकग्राउंड का एक्सपोजर वगैरह स्किन टोन्स काफी अच्छे से बैलेंस करते हुए चलता है. इनफैक्ट ये वीडियो भी मैं फ्रंट से सिनेमैटिक मोड में ही शूट कर रही हूँ 4K 24 FPS में, तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि किस तरह की वीडियो क्वालिटी है. लेकिन हाँ, ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी, अगर आपको वीडियोस बनाना किसी भी वे में प्रायोरिटी है, तो मैं बोलूंगी आईफोन लेना वर्थ इट है. बट अगर आप फोटोज कैप्चर करते हो तो वहां पर मुझे नहीं लगता 80,000 को ये फोन जस्टिफाई करता है. अभी आई डोंट नो अपडेट्स के बाद क्या सीन रहेगा और अपडेट्स आएंगे तो, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं बोलूंगी मुझे वहां पर पिक्सल और वन प्लस ज्यादा बेटर लग रहे थे फोटोज के केस. एनीवेज, अभी यहां से सीधा बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस एंड इसके यूजर इंटरफेस के बारे में, जहां पर मैं आज भी 1.5 महीने बाद भी फ्रस्ट्रेट होती रहती हूँ बीच बीच में. लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, बेल नोटिफिकेशन नहीं प्रेस किया तो वो जरूर से कर लेना, तब भी इस तरह की वीडियोस आपको एकदम टाइम पर देखने को मिलेगी. बट हाँ, मैं थी फोन की परफॉर्मेंस पर. देखो A16 बायोनिक चिपसेट दे रखा है यहाँ पर, जो कि 4nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसके एंटूतु स्कोर 1 मिलियन के अबव निकल के आते हैं, जिसके गीकबेंच स्कोर्स काफी ज्यादा खतरनाक निकल गए हैं. तो परफॉर्मेंस बेस्ट है, मतलब 80,000 की प्राइस में
कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और काफ़ी लोगों को इश्यूज़ आ रहे थे कि फ़ोन गर्म होता है, हीट होता है। देखो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगा है, आई मीन थोड़ा बहुत वार्म ना हर फ़ोन होता है, मतलब जब आप वीडियो शूट करते हो या फिर जब आप गेमिंग वगैरह करते हो तो हर फ़ोन गर्म होता है, उस तरह से थोड़ा बहुत वार्म ये भी होता है, लेकिन इस तरह का वार्म नहीं होता है कि आपको अनकम्फर्टेबल लगे और आप फ़ोन को साइड में रख दो, जो मेरे को पिक्सल में काफ़ी ज़्यादा बार देखने को मिला था। हाँ, जब चार्जिंग करते हैं तब ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म लगता है, लेकिन वो सिर्फ चार्जिंग के टाइम का है, अदरवाइज़ तो मुझे नहीं इस फोन में ऐसे हीटिंग वाले इश्यूज देखने को मिले। और परफॉर्मेंस में मतलब मैं ये बोलूंगी, चाहे आप रैम मैनेजमेंट देखो इस फोन का, चाहे आप एप्स का ऑप्टिमाइजेशन देखो या फिर एनिमेशंस देखो, हर चीज काफी अच्छी है। एडिटिंग वगैरह मैंने यहाँ पर काफी करी हुई है इस फोन के अंदर, साथ ही में गेमिंग वगैरह भी करी, वहां पर भी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन वही रिफ्रेश रेट वाला थोड़ा तो है ही पंगा, तो आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ आपको गेमिंग में ये करना पड़ेगा कि बहुत ही छोटी साइज़ की डिस्प्ले, यूजुअली इतने छोटी साइज़ की डिस्प्ले में गेमिंग करने में मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं इस फोन में बिल्कुल भी गेमिंग करना पसंद ही नहीं करती हूँ। अगर आपको गेमिंग करना पसंद है या फिर अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हो और आपने 6.5 6.7 इंचेस वाले डिस्प्ले यूज़ करे हुए हैं, आपको उसकी आदत लग चुकी है तो, और आपको iOS में स्विच करना है, तो मैं बोलूँगी कि आप 10,000 और एक्स्ट्रा खर्च करो और शायद आईफोन 15 प्लस पर जाओगे तो आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगी, तो फिर शायद बेटर लगे, लेकिन इस छोटे डिस्प्ले में यार 1% भी मज़ा नहीं आता, बात हुआ है। लेकिन हाँ, अपडेट्स का सीन बिल्कुल सॉर्टेड है यार, 5 साल तक के अपडेट देखने को मिलता है, ठीक है, एप्पल में। साथ ही में मतलब iOS 17.1 का अपडेट आ चुका है यहाँ पर, तो फीचर्स वगैरह कुछ मतलब जहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी वो सब कुछ इंप्रूव करके दी है। थोड़े से बग्स और ग्लिचेस ना मुझे स्टार्टिंग में इस फोन में देखने को मिले थे, कुछ ऐप्स बीच में क्रैश हुई थी, लेकिन अभी तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है जब से 17.1 का अपडेट आया। अभी वो चीज़ें मैं बताती हूँ जहाँ पर मुझे लिटरली काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। पहला तो इसका फेस आईडी, डोंट गेट मी रॉन्ग, फेस आईडी अच्छा है, एकदम एक्यूरेट है, लेकिन बात यह है इसकी एक्यूरेसी के लिए आपको फोन को ऐसे करना पड़ेगा, या तो फेस पर लाना पड़ेगा या फिर आपको खुद को झुकना पड़ेगा, आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी तभी ये अनलॉक होगा। एंड्रॉयड की तरह नहीं है कि कहीं पर भी फोन रखा है बस टैप किया फिंगरप्रिंट स्कैनर पर और अनलॉक हो गया, वो ज़्यादा कन्वीनियंट फीचर होता था मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पर मुझे चेंजेस करने पड़ रहे हैं और वो चेंजेस मुझे पसंद नहीं आ रहे। दूसरा चीज़, इन्होंने बैक टैप का फीचर दिया हुआ है जहाँ पर एप्पल लोगों पर डबल टैप या फिर ट्रिपल टैप करोगे तो कुछ एक्शन को आप असाइन कर सकते हो। बिना देखे मैं ये सोचूं कि मैं इसके टैप करके कुछ भी मेरा कैमरा ओपन हो जाएगा या फिर फ्लैशलाइट ओपन हो जाएगी, नहीं होता है। अगर मेरे को इसको देख के करना पड़ता है, अगर मैं देख के ही कर रही हूं तो मैं सामने से ही ना कर लूं, बात हो जाती है। तो ये एक चेंजेस है। एक और चीज मैं आपको बता दूं यहां पर कि मतलब इसमें कॉल्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मेरे को सुनना पड़ता है कि मैंने किसी से क्या बात किया था और क्या मुझे काम करना है, तो वो मैं यहां पर काफी ज्यादा मिस करती हूं। ट्रू कॉलर का ऑप्टिमाइजेशन इसके साथ मतलब नहीं है अच्छा। आपको यहां पर क्या होता था, किसी का भी स्पैम आ रहा है आपको दिख जाता था कि ये स्पैम कॉल है, यहाँ पर आपको लिटरली सर्च करना पड़ेगा उस नंबर को तब पता लगता है कि हाँ ये स्पैम कॉल है। तो ये वाली चीजें हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे एयर ड्रॉप का फीचर हो गया या फिर अगर आपके पास iOS एप्पल इकोसिस्टम है तो वहाँ पर ये सबसे बेस्ट काम करता है, क्योंकि मेरे पास आईपैड है, मैकबुक है, तो वहाँ पर इसका इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूजफुल भी रहता है। बट एट द सेम टाइम जो चेंजेस मुझे फ़ोन में करने पड़ रहे हैं ना, जो मेरे पर्सनल डिवाइस में, वो मैं इन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर। मतलब यार देखो, मैंने आपको जो बताया ना वो तो ऐसे थे जो बहुत ही पिक्यूलर और जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बट इसके साथ मतलब जैसे कैसा होता ना कि जैसे सेटिंग कैमरा की सेटिंग्स कैसा होता था कि कैमरा में ही सेटिंग्स देखने को मिल जाती थी एंड्रॉइड में, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप अलग से सेटिंग्स में जाके कैमरा में जाना पड़ेगा, फिर आप उसको सेटिंग्स को चेंजेस कर सकते हो। एक और चीज़, व्हाट्सएप का ऐप ही बहुत डिफरेंट है यहाँ पर, वहाँ पर मैसेजेस फॉरवर्ड करने में हर चीज़ में चेंजेस है यार। ये चेंज करने के लिए अगर आप रेडी हो तो सोच समझ के iOS में स्विच करना, अदरवाइज तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा इस फोन के साथ पीस बनाने में। खैर, अभी आते हैं फोन के बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट पर, क्योंकि काफी लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि फोन के अंदर क्योंकि 3349 mAh टाइप की बैटरी है तो बहुत ही कम बैकअप देखने को मिलेगा। नहीं, अगर यही बैटरी साइज एंड्रॉइड में होती ना तो डेफिनेटली 3-3.5 घंटे तक का ही बैकअप देखने को मिलता, लेकिन यहां पर मैंने देखा है कि अगर मैं इस फोन को 0 to 100% पूरा चार्ज कर लेती हूं ना तो मुझे आराम 7-8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है। बट यूजुअली मैं 100% करती नहीं थी, मैंने यूजुअली मैं 85 या 90-95% तक ही करा है, तो वहां पर मैंने अलग अलग स्क्रीनशॉट लिया। आप यहां पर देख सकते हो कि कितने परसेंट पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, कितना बैटरी चार्ज मैंने करा था, आप देख लो 5.5-6-7 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिला हुआ है। तो बैटरी बैकअप को लेकर कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो वो अच्छी चीज है। लेकिन चार्जिंग में मैं एक चीज बता दूं, मतलब बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलेगा, मेरे पास आईपैड का 20 वॉट का चार्जर था, मैं उसी से इसको
चार्ज कर रही हूँ, तो मुझे 0 to 100% चार्ज करने में 1 घंटा 50 मिनट का टाइम लगा है। ये मैं बहुत ही प्रिसाइज होकर बता रही हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताइए क्या है, 0 to 90% ये फोन चार्ज हो जाता है 1 घंटा 10 मिनट में, ठीक है। 90 to 100% इस फोन को चार्ज करने में मुझे 40 मिनट लगे, तो वहां पर ज्यादा लंबा टाइम है। लेकिन अगर आप उनमें से जो 80-85% फोन को चार्ज करना इनफ समझते हैं, तो मेरे को लगता है आप कभी भी चार्ज लगाओ, 1-2 घंटे में चार्ज हो जाता है। मैं उस चीज को लेके यूज्ड हो चुकी, मुझे वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई है। लेकिन इसके अलावा क्या चीज है ना कि टाइप सी के साथ आता है, जो कि आई नो iOS यूजर्स के लिए तो ये ट्रीट है, लेकिन मेरे जैसे एंड्रॉइड यूजर्स को हाँ जस्ट अ नॉर्मल थिंग वाली चीज लग रही है। लेकिन एक चीज बता दो कि USB 2.0 की स्पीड के साथ आता है, जो कि डेफिनेटली 80,000 की प्राइस में कॉम्प्रोमाइज्ड है। दूसरी चीज एक और यहाँ पर ये है कि ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है 80,000 का होने के बावजूद भी। हाँ, आप वायर से रिवर्स चार्जिंग कर सकते हो, लेकिन ऐसे नॉन वायरलेसली नहीं कर पाओगे, तो ये भी मुझे कॉम्प्रोमाइज लगता है। बट हाँ, बॉक्स के अंदर आपको ब्रेडेड केबल इस बार देखने को मिल जाती है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। ऑल्दो मैं अभी उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने आईपैड के चार्जर से कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये कुछ है बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट की कहानी। अभी इन सब के अलावा देखो बात करेंगे फोन की डिस्प्ले के बारे में, बिकॉज इस बार स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? पहली बात तो थोड़े से बेजल्स को स्लिम कर दिया गया है, आपको यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है, और ये डायनेमिक आइलैंड मुझे नहीं पता कितने लोगों को यूजफुल लगता है या नहीं लगता है, लेकिन मेरे को इंटरेस्टिंग और थोड़ा यूजफुल तो लगता है, क्योंकि जब भी जैसे ऑर्डर किया कुछ तो यहाँ पर ऐसे टाइमर चलता रहता है, या फिर गाने भी बज रहे तो यहाँ पर चलता रहता है, तो मेरे को थोड़ा यूजफुल लगता है और अच्छा भी लगता है, मतलब वो एनिमेशन तो वो अच्छी चीज़ है। आउटडोर्स में एकदम कमाल की ब्राइट रहती है, बराबर से फुल ब्राइट डिस्प्ले है ये तो यहाँ पर। लेकिन अगर आप कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हो, आपको छोटी साइज की डिस्प्ले जमती है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर्स वगैरह अच्छे हैं। जिस भी मैं आप कंटेंट देखोगे, चाहे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वगैरह में, आपको कलर्स वगैरह में ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, व्यूइंग एंगल्स वगैरह सब कुछ बेस्ट है यहाँ पर। बट अगेन मैं बट बोल के आपको बता रही हूँ थोड़ी बहुत चीजें कमियाँ, तो ये है कि 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अभी वो 60Hz एक्चुअली में मुझे हर बार फील होता है, रील्स स्क्रॉल करते हैं या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, आजकल हमें स्क्रॉलिंग की आदत पड़ चुकी है, तो वहाँ पर वो समझ में आती है 60Hz। और मतलब यहाँ पर मैं बोलूँगी पिक्सल में या 90Hz का दे दिया, और वो ज़्यादा बेटर फील होता है इसके कंपैरिजन में। 120Hz से तो मैं कंपेयर भी नहीं कर सकती इसको, बट 80,000 की प्राइस में मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिगेस्ट मिसहैप मुझे लगा है यहाँ पर। बट हाँ, हैप्टिक्स अच्छे हैं। देखो मेरे को ना इस तरह वाले जो हैप्टिक्स है वो थोड़ा कम जमते हैं, जो वन प्लस में जो हैप्टिक्स है या फिर जो पिक्सल में जो हैप्टिक्स है वो ज़्यादा स्प्रिंग फील होता है इसके कंपैरिजन में। आई नो अभी काफ़ी सारे iOS यूजर्स आएंगे और बोलेंगे नहीं ये बेस्ट है, अब मैं मान सकती हूँ ये बेस्ट होंगे, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस करने की आदत है उसमें मुझे ये बेस्ट नहीं लगे, बात ये है यहाँ पर। बाकी इसके स्पीकर्स की क्वालिटी सुपर्ब है, सबसे बेस्ट है अभी तक मैं जितने फ़ोन यूज़ करें, सबसे अच्छे स्पीकर्स मुझे यहाँ पर इसी के लगे हैं, तो उस मामले में अच्छा है। ओवरऑल मल्टीमीडिया कंजप्शन अच्छा रहेगा अगर आपको डिस्प्ले साइज से कोई प्रॉब्लम नहीं और आपको इस तरह की डिस्प्ले पसंद आती है तो। एनीवेज अभी आते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी, इन हैंड फील एंड लुक्स वगैरह के ऊपर, तो आई डोंट थिंक सो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत है, क्योंकि एक्चुअली में मैं खुद भी इंप्रेस्ड हूँ। मतलब स्लिम भी है, लाइट वेट है, एल्युमिनियम वाली फ्रेमिंग वगैरह जो दे रखी है वो काफ़ी क्लासी लगती है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि इस बार जो कलर्स लॉन्च किए हैं ऐसा लग रहे हैं जैसे कलर्स बहुत ही फेडेड टाइप के हैं। आई काइंड ऑफ अग्री, मेरे को ऐसा लगता है थोड़े से कलर्स और पिगमेंटेड टाइप के होते ना तो शायद बेटर लगता, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और लेकिन पीछे जो मैट फिनिश दे रखी है, ग्लास की जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, कोई फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं आते, बिना कवर के इस फोन को मतलब इजीली रखा जा सकता है। जो टाइटेनियम बिल्ट जहां पर देखने को मिल रही है ना प्रो वाले मॉडल्स में, वहां पर फ्रेम में काफी ज्यादा स्मर्जेस वगैरह स्क्रैचेस वगैरह लोगों को देखने को मिल रहे हैं, यहां पर वैसा कुछ भी सीन नहीं है। और यहां पर आपको वो म्यूट स्विच देखने को मिल जाएगा, ठीक है वो अच्छी चीज है, काफी हैंडी टाइप का फीचर देखने को मिलता है, IP68 रेटेड है, तो ओवरऑल मतलब इम्प्रेस्ड हूँ मैं इसकी बिल्ट लुक और जिस तरह का ये फोन हाथ में फील होता है उन सब से। अभी आई नो आप लोग मुझसे पूछोगे कि आईफोन 15 सीधा सीधा बताओ ले या फिर नहीं। देखो इस टेबल से आपको समझ में आ गया होगा आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन मेरे को इससे ज्यादा ये लगता है आपके इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है और आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने मन बना ही लिया है कि नहीं मुझे एंड्रॉइड से iOS में स्विच करना ही करना है, तब तो मैं बोलूंगी आईफोन 15 सीरीज इज दी बेस्ट, क्योंकि इस बार टाइप सी वगैरह भी देखने को मिल रहा है, पिछली बार की तरह नहीं है। तो अगर आप आईफोन 14, 13 ये सब कुछ लेने का सोच और आपका बजट अच्छा खासा है, आईफोन 15 ले लो, सॉर्टेड रहोगे। लेकिन अगर आप उनमें से जो एंड्रॉइड और iOS के बीच में ही अभी कंफ्यूज हो कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ, मुझे वैल्यू फॉर मनी चीज चाहिए, तब तो मैं ये बोलूंगी यार आप खुद देखो इस पूरे वीडियो में मैंने जिन फोन्स के साथ रेफरेंस लिया है ना आईफोन 15 को, वो 40,000 वाली प्राइस रेंज के फोन है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है वो थोड़े कॉम्प्रोमाइज भी, आप 50-60 हज़ार रुपए खर्च कर दो यार, आपको फार बेटर स्पेक्स वाले 120Hz रिफ्रेश रेट पर फास्ट चार्जिंग, मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा उधर 50-60 हज़ार की प्राइस में।
तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए तो मेरे को लगता है कि एंड्रॉयड ही बेस्ट है, लेकिन अगर हाँ आपने मन बना रखा है आपको iOS में स्विच करना है, देन मैं बोलूँगी iPhone 15 सीरीज की तरफ जाना बनता है। iPhone 15 प्रो वाले जो मॉडल्स हैं वहाँ पर मैं उनकी बिल्ड को लेके, उनकी थर्मल्स को लेके काफ़ी सारे इश्यूज मेरे को अभी भी सुनने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आप देख लेना। लेकिन iPhone 15, 15 प्लस की तरफ अगर आप जाना चाहते हो डेफिनेटली जा सकते हो। बाकी आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी तो हम लोग मिलते हैं यार हमारे नेक्स्ट वीडियो में।